नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वसंत आर रसिवसिया। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो हमेशा रंगों के बारे में पूछते रहते हैं कि आप हमें ये बताइए, इस कलर के बारे में ये बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब के माध्यम से रंगों की जानकारी लोगों तक दूँ कि मेरे क्लाइंट तक तो जानकारी पहुँचेगी, इसके अलावा बाकी के भी जो लोग रुचि रखते हैं कि वास्तुशास्त्र के आधार से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कौन से रंगों का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए जिससे वो घर में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण बनाए रख सकें। क्योंकि आज हम घर से सुबह काम पे निकलते हैं, शाम घर पे वापस आते हैं, और जब शाम को घर वापस आते हैं तो घर में के माहौल जो है वो अशांत होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम गलत रंगों का चुनाव गलत जगहों पर करते हैं जिसकी वजह से घर में लोगों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। तो आज हम यह बात करेंगे बेज कलर के बारे में, जो बिस्कुट जैसा कलर होता है। ये रंग शांति के लिए, प्योरिटी के लिए और खुशहाली के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि जहाँ आप एक साथ लोग बैठते हैं, जिसे आजकल हम लिविंग रूम कहते हैं, वहाँ अगर हम इस रंग का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ हम सब साथ में बैठते हैं तो काफी पीस और हारमोनी आप लोगों को आपस में बनी रहेगी। इसके साथ साथ ये रंग जो है वो पश्चिम दिशा के लिए भी बहुत शुभ माना गया है, और पश्चिम दिशा में अगर हम कोई लाइब्रेरी बनाते हैं घर में, या कोई हमारा बच्चा घर में ऐसा है जो पढ़ रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो ऐसे बच्चों पर भी उसका काफी प्रभाव पड़ेगा और वो काफी अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। तो मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने लिविंग रूम में बेज कलर का इस्तेमाल करें जिससे आपको इसका लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरा भी छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें जिससे हमें ये समझ आए कि आपको और क्या जानकारियां चाहिए जो हम ज्यादा से ज्यादा अपना ज्ञान आपको बांट सके और अपनी एडवाइस दे सके जिससे आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।